Hello students, this is my first video on themes in Indian history, part 1. That is the first book of history class 12th NCERT, right? And this is the first theme, that is bricks, beads and bones. Now before I start with this chapter, I'll be giving you a brief introduction about this chapter. This chapter deals with the Harappan civilization or the Indus Valley civilization, as we know, right? And in this chapter, in this entire chapter, we'll see how the civilization was discovered and how the study of this civilization was conducted. What are the important centers, how they used to conduct their trade, what we all know about its society, its culture, basically, right? Now to start with, before going into the details of this civilization, let me introduce you the new terms that we use in history these days. Like earlier we used BC, AD, these terms with the dates, with the years, but now there are certain new changes introduced in the subject. So let me tell you these terms. Now BP is before present, right? So dates ke saath agar hum in terms ko dekhte hain, to ye nahi terms introduce hue hain history mein. BCE is before common era. We are living in common era. CE is common era. We are in common era. So before common era is BCE. Then we often see date ke saath ek chota sa C likha hota with a dot. That stands for circa. Now whenever this any date is written, any year, number of years with a small C dot, that is circa, which means approximately in that time frame. Approximately ये ऐसा हुआ होगा. कोई भी ऐसी घटना जिसके बारे में हम surety के साथ नहीं कह सकते, जिसके time के बारे में, तो हम एक approximation लेकर चलते हैं कि शायद इतने साल पहले ऐसा हुआ होगा. तो उसके लिए हम ये small c use करते हैं number of years के साथ. Right, so these are the terms which you will find these days in history books. समय समय पे subject में changes होते हैं, तो ये नए terms आज की date में हम लोग use कर रहे हैं. Now to start with the chapter, the first heading, the topic is terms, places and times. So जब हम हरप्पन culture, हरप्पन civilization की बात करते हैं, तो जब हम आपको ये पता होगा कि फॉर स्टडिंग हिस्ट्री वी नीड टू डिपेंड ऑन मेनी सोर्सेस, राइट? और इन सोर्सेस के लिए इन सोर्सेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. नाउ डीलिंग विद पास्ट व्हिच इज नॉट हैविंग एनी लिटरेरी सोर्स, ऐसा समय जिसके ऊपर कोई हमारे पास रिटन इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए वी लार्जली डिपेंड्स ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जब हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हरप्पन सिविलाइजेशन से रिटन सोर्सेस सील्स के फॉर्म में मिले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू डिसिफर डिकोड दैट लैंग्वेज. हम अभी तक उन सील्स को पढ़ नहीं पाए हैं, हम उन्हें उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है हरप्पन सिविलाइजेशन की, दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन द आर्टिफैक्ट्स और द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हमें एक्सकवेशन के टाइम पे वहाँ से मिले हैं. जो भी हमें मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, उसी के बेसिस पे द हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? तो हम जब हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिफैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है जो हमें वहाँ एक्सकवेशन में, खुदाई में मिले हैं, राइट? तो इन आर्टिफैक्ट्स को, जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं एक्सकवेशन में, उन्हें हिस्टोरियंस ने कैटेगराइज कर दिया है, एंड उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, कल्चर, राइट? कैसे? दोज आर्टिफैक्ट्स विच आर फाउंड इफ हैविंग सम सिमिलैरिटीज दे आर प्लेस इन वन कैटेगरी, एंड अदर आर्टिकल्स विच आर हैविंग
सिमिलैरिटीज दे आर प्लेस इन कैटेगरी वाइज हमने आर्टिफैक्ट्स को बांट दिया है, जिनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लग रही हैं उन्हें कैटेगरी उन्हें ग्रुप करके रख दिया गया है और उन्हें एक टर्म दे दिया गया कल्चर. सो इन एनी ज्योग्राफिकल एरिया वट एवर द आर्टिफैक्ट्स दैट आर फाउंड इन एक्सकवेशन इफ दे आर हैविंग सम सिमिलैरिटीज तो उसको दोस आर्टिकल्स आर प्लेस्ड इन वन कैटेगरी एंड उसको एक टर्म दे दिया गया है. इट इज़ डिनोटेड बाय अ टर्म कॉल्ड कल्चर, राइट. और आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो आपको हरप्पन कल्चर, अर्ली हरप्पन कल्चर या लेट हरप्पन कल्चर या मैच्योर हरप्पन कल्चर, इस तरह के टर्म्स आप यूज़ करेंगे. तो दैट मीन्स कि वो अर्ली फेज ऑफ सिविलाइजेशन में ये आर्टिफैक्ट्स मिले या लेट फेज ऑफ सिविलाइजेशन में ये आर्टिफैक्ट्स मिले, मैच्योर साइट्स पे ये आर्टिफैक्ट्स मिले, उससे इसका मीनिंग जुड़ता है, राइट. So culture is used by historians to describe the objects that are found in excavation having some similarities. They are grouped in one category. Now in artifacts को classification जो किया गया groups में जो बांटा गया है उसके पीछे क्या principles use किए गए, किस तरह से उनकी categories बनाई गई हैं, classification किस तरह से किया गया है. So the principles of classification of artifacts आर बेस्ड ऑन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मटीरियल यूज, जो भी आर्टिफैक्ट है वो बना किससे है, क्या मटीरियल यूज हुआ है, वो स्टोन का है, क्ले का है, बोन का है, आइवरी का है, सो किस तरह का मटीरियल यूज किया गया है टू क्रिएट दैट आर्टिफैक्ट, उसके बेसिस पे हमने कैटेगरी बना दी. मिट्टी के बर्तन हैं अलग कर दिए, ये मेटल के बर्तन हैं इन्हें अलग कर दिया, ये बोन्स के चीज़ें मिली हैं इन्हें अलग कर दिया, इस तरह से कैटेगराइज किया. पहला प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड पर्पस. फिर ये देखा गया कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए होंगे, फॉर व्हाट पर्पस दीज आर्टिफैक्ट्स वर मेड, राइट. क्या पर्पस सॉल्व करते रहे होंगे, वेदर दीज आर्टिफैक्ट्स वर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, वेदर दीज आर्टिफैक्ट्स वर स्पेशली मेंट फॉर परफॉर्मिंग सम राइट्स और रिचुअल, कोई सेक्रीफाइस, किसी चीज़ के लिए किस पर्पस से बनाए गए होंगे, दैट अगेन इज एन एस्टिमेशन, ये अनुमान लगाया गया होगा, उसके बेसिस पे हमने उनकी कैटेगरी बनाई. देन आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, उन आर्टिफैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पाए गए हैं, क्या ये घर के अंदर मिले या कोर्टयार्ड में मिले या नाली में मिले या कहीं रिचुअल साइट पर मिले, कहाँ पे ये पाए गए हैं, और अगर ये जिस जगह से पाए गए हैं वहाँ पे इनका पर्पस क्या रहा होगा, राइट. सो इस तरह से लिंक बैठाना कि आर्टिफैक्ट्स किस चीज़ के बने हैं, क्या इनका पर्पस रहा होगा, कहाँ पर पाए गए, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किए गए होंगे, इनका पर्पस एग्जैक्टली रहा क्या होगा, राइट. देन टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस. कई बार क्या होता है, हमें चीज़ मिल गई, आर्टिफैक्ट मिल गया, लेकिन हमें उसका पर्पस समझ नहीं आता है, ये भी समझ नहीं आता कि कहाँ से मिला है, किस यहाँ पे क्या कर रहा था ये आर्टिफैक्ट, कि किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया हो. तो ऐसे में हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे डिपेंड होना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हरप्पन कल्चर के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए दैट दीज पीपल माइट बी यूजिंग कॉटन क्लॉथ, ये कॉटन के कपड़े यूज़ करते थे, इसका एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. लेकिन जो भी हमें इनके स्कल्पचर्स मिले हैं उनके उनमें जो ड्रेसेस वगैरह हमने देखी हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली दीज पीपल माइट बी यूजिंग कॉटन, राइट. उसी तरह से जो हमें सील्स हमारी मिली हैं उससे हमें अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कई जगह पे मेसोपोटामियन सील से जब इन्हें कंपेयर किया गया तब जाके हमें टाइम फ्रेम्स सेट हुए कि अगर मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन थी और वो लोग ट्रेड करते थे तो वहाँ की चीज़ें यहाँ और यहाँ की चीज़ें वहाँ मिली हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों में कोई कनेक्शन होगा. सो इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे हम
फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस फिक्स करते हैं कि ऐसा हुआ होगा. अगेन दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट बिकॉज मेनी टाइम्स डायरेक्ट एविडेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर टाइम. So these are the clues on the basis of which they construct the history of past period, right? So this is a very basic thing in history. And if we are studying about history, if we are dealing with the past, then we have to deal with such things. We have to deal with such clues. And on clues ko properly study karna, investigate karna is a very challenging task. So this is all about the terms, places and times, the topic that is given in the book. And I'll be continuing with the other topics of the chapter. So please like, share and review this, and please subscribe this channel. Thank you.